नमस्कार मैं सुष्मिता मिश्रा आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला टीएमसी नेता के घर छापा मारने गए थे अधिकारी बंगाल में छापामारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला होने की जानकारी मिली है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में छापामारी के दौरान ईडी की एक टीम पर कथित तौर पर हमला किया गया राशन घोटाले मामले में ईडी ने बनगांव में पूरे बॉन गांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्याय के अवस पर छापा छापामारी की थी तापमान बढ़ने के बाद भी ठंड से ठिठुर रही है दिल्ली सीवियर कोल्ड डे जारी ऑरेंज अलर्ट की संभावना कड़ाके की ठंड के बीच शुक्रवार को दिल्ली में सुबह के तापमान में वृद्धि देखने को मिली तो दहशत के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज भी सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है जिससे दिल्ली वालों को ठिठूर देने वाली ठंड सताने का अनुमान है साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है पीएम मोदी को भाया मेरे घर राम आए गीत जुबिन नौतियाल के समेत कई कलाकारों की की तारीफ इन दिनों पूरे देश में राम भजन को काफी पसंद किया जा रहा है प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठित समारोह के लिए सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में धूम है पीएम मोदी ने जुबिन नोटियाल के गीत मेरे घर राम आएगी की तारीफ की है उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से गीत को साझा भी किया है ऐतिहासिक जीत के बाद भी भारतीय टीम को लगा झटका आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चीना नंबर वन कताउन टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत के बाद भी भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है आईसीसी की तरफ से इस टेस्ट सीरीज के ख़त्म होने के बाद जारी की गई लिस्ट टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी को गवाना पड़ा है इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम 118 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर कब्जी थी लेकिन पहले मुकाबले में मिली हार के चलते टीम इंडिया को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा अब भारतीय टीम 117 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है वही रैंकिंग में अब पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया टीम का कब्जा हो गया है जो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रही है और पहले दो मुकाबले को अपने नाम करने के साथ इस सीरीज में टू ज़ीरो की एज बढ़ाते भी हासिल कर चुकी है